तो हम जो है वृंदावन होटल के अंदर में है और यहाँ पे वृंदावन होटल के ऑनर हैं, आपके चैनल में आ रहे हैं, बताइए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक फैमिली रेस्टोरेंट के बारे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये होटल का नाम है, होटल वृंदावन है और बता दे रहे हैं ये लोकेशन आपको भारागुड़ा से तरफ जाएंगे तो उसी रूट में पड़ता है और भारागुड़ा से करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर पे, 2 या 3 किलोमीटर पे ये होटल है जिस होटल का नाम है होटल वृंदावन। तो यहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट है, अंदर में जाकर के हम आपको दिखाते हैं तो क्या क्या व्यवस्था है, क्या प्राइस वगैरह है, क्या कॉस्टिंग है, क्या आप यहाँ पे रुक सकते हैं या रात के समय रुक सकते हैं और क्या कॉस्ट है, ये ऑनर से ही जानेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही मस्त होटल है, भारागुड़ा आते हैं, भारागुड़ा के आसपास में यदि आपको रूम चाहिए और होटल और जिसमें आपको फूडिंग और लॉजिंग दोनों हो तो आप यहाँ पे वृंदावन होटल है। होटल कुछ जो है इस तरह से है, वृंदावन होटल, और होटल वृंदावन ये आपको दिख रहा है यहाँ से नाम से, ठीक ना। यहीं पे आप आकर के यहाँ पे आप अपना रुक सकते हैं, यहाँ पे फूडिंग और लॉजिंग दोनों ही व्यवस्था है। और ये हो गया, इधर से जो है कोलकाता से आती है और जब कोलकाता से आएंगे इधर तो आपको मिलेगा ये होटल भारागुड़ा के आसपास में, और इस होटल का नाम है होटल वृंदावन, ठीक है। और इधर ये हो गया, इस साइड में जो पड़ता है, इस साइड में भारागुड़ा पड़ता है। आप भारागुड़ा के रास्ता में आते हुए आप यहाँ से डायरेक्ट वृंदावन होटल आ सकते हैं और ये होटल है। होटल में अंदर चलते हैं, होटल को आपको दिखाते हैं होटल के अंदर के। तो होटल में हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ ही बैठने का। और ये होटल का काउंटर है, रहने से लेकर के खाने का व्यवस्था भी है और आपका रूम का क्या रेट है और खाने का आपका डिफरेंट, आप जो बनाएंगे जो आपके अकॉर्डिंग टू आपका जो ऑर्डर होगा उसके हिसाब से बनेगा। तो बताओ राहुल, हम लोग खा रहे हैं अभी चना, चना चिल्ली, तो अच्छा लग रहा है। अभी आप लोग भी होटल में आ सकते हैं, होटल वृंदावन वो एनएच 18 के बगल में पड़ता है कलकत्ता जाते के रास्ते में। आंटी ओनर है, भी ओनर, छोटा ओनर, वृंदावन स्पेशल खाइएगा, ठीक ना। ये है वृंदावन होटल और आपको खाने के लिए देखिए कितना अच्छा से टेबल लगा हुआ है, सब एकदम एसी वगैरह लगा हुआ है। तो आप यहाँ आ करके आप बर्थडे या फिर किसी तरह का प्रोग्राम को आकर के आप यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं, छोटा सा प्रोग्राम को। और बहुत ही मस्त है, एकदम नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे मिलेगा। और आप अपने अनुसार यदि कोई आके गेस्ट यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे रुक सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा। और आप एक भारागुड़ा में आते हैं और एक अच्छा सा होटल ढूंढ रहे हैं तो होटल वृंदावन एक नंबर का फैमिली रेस्टोरेंट है, आप पूरे फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है। तो और भी हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चार्ज है, क्या मेन्यू है, ये भी हम आपको। तो अभी हमारे पास होटल वृंदावन का मेन्यू है, जब आप इस होटल में आएंगे तो किस तरह का खाना ऑर्डर करेंगे, क्या रेट पड़ेगा, वो चीज़ आप इस वीडियो में देखिए। तो होटल वृंदावन ने मेनू दिखा दिया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ये नाम है, ब्रेकफास्ट मिलता है यहाँ, लंच मिलता है, डिनर सब तरह का। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर आप जो है यहाँ पे नोट कीजिए, 7061595901, और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9523869693। बहुत अच्छा होटल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट में आपको सारा प्राइस क्या क्या लेना है वो चीज़ आपको लिखा हुआ है, एट्रेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी मेनू में आपको देखें। अब जब आप होटल आइएगा तो यहाँ पे आपको मिनिमम कुछ प्राइस देख लीजिए, जिस तरह के कारण जो है आपको ये सब सारा विदाउट जीएसटी का है। इसके बाद जाकर आपको ये सब पड़ेगा, ये सब कॉस्ट है, नॉन वेज में है और वेज भी है, और ब्रेड से लेकर तंदूरी इतना तरह का आपको आइटम्स जो यहाँ पे मिलता है। और इंडियन लाइट वेज है, और यहाँ पे आपको वेज थाली भी दिया है, वेज थाली में आपको रोटी 2 पीस, रोटी सब्जी, पापड़ स्वीट 180 रुपीज, और नॉन वेज थाली का जो प्राइस है रोटी 2 पीस, सब्जी दाल पापड़ चिकन 240। इसके बाद इंडियन डिलाइट नॉन वेज में चिकन करी, चिकन का ऑल टाइप्स है यहाँ पे, बिरयानी का डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिरयानी है। उसके बाद एक फिश से रिलेटेड करके डिफरेंट टाइप रेसिपी सब यहाँ पे। वृंदावन स्पेशल थाली जो है 300 में जो है आपको 2 पीस रोटी, जीरा राइस, स्वीट्स, पापड़, सलाद, सब्जी, पनीर, भुजिया, आइसक्रीम, ये चीज़ है। और उसके बाद जाके यहाँ पे है रायता है, रायता में भी मिक्स रायता है, सबका प्राइस दिया हुआ है कितना कितना पड़ेगा। उसके राइस है और डेजर्ट्स है इसमें, वेनिला चॉकलेट्स का डिफरेंट से। और उसके बाद जाकर बेवरेज मसाला कोल्ड ड्रिंक्स डिफरेंट टाइप्स सब पापड़ है यहाँ पे। अब हम वृंदावन का यहाँ पे मेनू कार्ड था हमने आपको यहाँ पे दिखाया, अब हम आपको
रूम लेके चलते हैं। यहाँ पे जो फैमिली रेस्टोरेंट है और ऊपर में रूम में दिखाते हैं आपको रूम किस तरह का मिलता है, क्या क्या फैसिलिटी आपको रूम में मिलता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है रूम देखिए, रूम कितना नीट एंड क्लीन है, आपको पूरा एकदम शांत सा माहौल है एकदम। और ये हाँ। ये बराबर है ओनर देख लीजिए, ओनर जूनियर और ओनर है और ओनर कहाँ आया नहीं, ओनर आया नहीं अब तक, आ गया ओनर आ गया। तो आपको दिखा रहे हैं वृंदावन का रूम, रूम खोलिए रूम आपको दिखा दे रहे हैं और इस तरह से चारों ओर का लुक दिखा दिए वृंदावन। ये देखिए रूम देख लीजिए, एसी रूम, रूम देखिए कितना अच्छा आपको मिलेगा, फुल्ली एसी। यहाँ पे देखिए पूरा एसी है और इधर में बाथरूम अटैच है, बाथरूम अटैच है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विच मिल जाएगा। और क्या और ये फैमिली रेस्टोरेंट है फैमिली, और यहाँ पे सिर्फ फैमिली को ही अलाउ है ठीक ना। और आपका आधार कार्ड सेम मैच करना चाहिए तभी जाके आपको यहाँ पे रूम मिलेगा। और क्या 1000 रुपये रूम चार्ज है, देखिए 1000 रुपये में। और भी एक रूम जो टीवी वाला कौन सा, चाबी लाना पड़ेगा। तो चलिए आपको यदि भाड़ाग्राम में आप एक अच्छा सा रूम खोज रहे हैं और साथ में आपको यदि रेस्टोरेंट के साथ यदि रूम मिल जाता है फैमिली वाला है और अकेले भी रहते हैं यहाँ पे फैमिली को ही अलाउ है फैमिली, और फैमिली यदि आते हैं यहाँ पे रुक सकते हैं तो एक रूम के हिसाब से उसको मिलेगा। हाँ तो यदि यहाँ पे आते हैं कोई फैमिली तो उसको फैमिली के हिसाब से रूम मिलेगा, रूम के हिसाब से है। आप एक कितना आदमी रुक सकते हैं एक रूम में, वैसे एक रूम में दो आदमी, एक एक रूम में आप जाएंगे तीन आदमी रुकेंगे तो लोग अलग से लगवा देगा बिस्तर। अच्छा मतलब आप यहाँ पे एक रूम लेकर के आपको जो पड़ेगा वो 800 रुपये पड़ेगा नॉन एसी में, और एसी में आपको 1000 रुपये पड़ेगा। तो आप बाराग्राम में आ रहे हैं और रूम में रहना चाहते हैं और जो कि आपको बता दिए कितना क्या क्या प्राइस पड़ेगा। चलिए आप लोग एक बार आकर के इस होटल में आइए और रुकिए और यहाँ का जो मेनू है उसमें से कोई एक आइटम को खा के देखिए फिर बोलिएगा ठीक है। तो थैंक यू और आप लोग आके आप इस होटल को रेटिंग दीजिए, होटल वृंदावन है ठीक है।